हमलों के बाद भारतीय छात्रों का वापस आना लगातार जारी है और इस बीच यमुनानगर की रहने वाली मानसी शर्मा अपने घर पहुंची। बेटी को घर वापस देखकर परिवार वालों के चेहरे खिल गए। इस पल को परिवार वालों ने सेलिब्रेट किया। यूक्रेन में पढ़ाई के लिए छात्रा मानसी ने यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध के हालातों को भी बताया। उन्होंने बताया कि किस तरह से वो जद्दोजहद कर आखिरकार स्वदेश लौटी है। इसके अलावा उनके परिवार वालों ने भी और खुद मानसी ने भी भारत सरकार का धन्यवाद दिया और जितने भी लोग वहां पर फंसे हुए हैं, जो वहां हालात चल रहे हैं, वो मानसी ने अपनी जबानी बयान एक्सपीरियंस बहुत कह सकते हैं हॉरिबल टाइप रहा, क्योंकि जिस दिन ही 24 फरवरी को मेरी फ्लाइट थी, मैं वापस इंडिया आने वाली थी, उसी दिन मुझे मेरी खारगे सिटी में रहती हूँ और बट हमें ट्रैवल के लिए कीव में जाना होता है, जो कैपिटल है वहाँ की, जो वहां से 6 आवर्स की दूरी पे है, डिस्टेंस पे है। तो हम जैसे ही हाफ डिस्टेंस पे पहुंचे, हमें वहां उन्होंने ये बताया कि खारगे में बॉम्बार्डिंग स्टार्ट हो चुकी है एंड आपकी फ्लाइट सब कैंसिल हो चुकी है। तो अब हम सब बच्चे पैनिक करने लगे, क्या करें, कहाँ जाए, क्या करें, एयरपोर्ट्स बंद हो चुकी हैं, सारी फ्लाइट कैंसिल हो चुकी हैं। तो हम बच्चों ने डिसाइड करा कि हम एम्बेसी के पास जाते हैं, इंडियन एम्बेसी जो कीव में है, तो उनके पास जाते हैं। हम वहां पर गए, हम बहुत देर खड़े रहे, कोई एम्बेसी ने हमें जवाब नहीं दिया। हम 6-6 घंटे 7-7 घंटे बारिश में खड़े रहे, कोई एम्बेसी ने हमें उसके बाद भी जवाब नहीं दिया। हम ऐसे ही बाहर खड़े रहे वहां पे। उसके बाद बहुत ज्यादा प्रेशर डालने के बाद एम्बेसी वालों ने हमें कीव में, जो उनकी एम्बेसी है उनके साथ ही एक स्कूल है, वहां पर हमें उन्होंने शेल्टर के तौर पर रखा वहां पे। और बट उन्होंने एक कंडीशन पे कहा कि ये बॉम्ब शेल्टर नहीं है, प्लस हम आपकी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे यहाँ पे। और वहां पे रहते हुए ना हमें उन्होंने खाना प्रोवाइड कर रहे थे, जो खाना आ भी रहा था वो बासी था और जो कोई खा रहा था उसको कोई पेट में प्रॉब्लम वगैरह कुछ हो रही थी या कुछ ऐसा डायरिया वगैरह कुछ हो रहा था। तो चौथे दिन, 4 दिन हमने जैसे तैसे निकाले, बिना खाने, बिना खाए, बिना पिए, कोई दिक्कत नहीं। तो उसके बाद ही 5वें दिन एम्बेसी वाले वहां पर आए और उन्होंने हमें बोला कि हम आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते, जो जा सकता है वो जाए यहाँ से। कहना चाहूंगा कि जो भी बच्चे यूक्रेन से भारत आए हैं, उन्होंने जो वहां का बीच का सफर था वो बड़ा असहनीय था, बड़ा कष्टदायक था। उस कष्ट के अंदर उसकी भावना में और शब्दों में उसको व्यक्त ही नहीं किया जा सकता। इतना ज्यादा अधिक मतलब वो था कि जिसमें बेचारे असहाय लग रहे थे। भारत सरकार ने बड़ा प्रयत्न किया, प्रयत्न करने के बावजूद भी जो यूक्रेन शहर में जो बमबारी हो रही थी, जो ब्लास्ट हो रहे थे, उसमें वो भी असहाय लग रहे थे। लेकिन जो बच्चों ने बॉर्डर क्रॉस किया, वो चाहे अपना हॉलैंड पहुंचे, हंगरी पहुंचे या रोमेनिया पहुंचे, तो वो वहां पर वहां उनको जो फैसिलिटी दी गई और जो उनको वहां से ले जाने का किया काम किया गया और उसको जो खाना पीना प्रोवाइड किया गया, उसके लिए वास्तव में इंडियन गवर्नमेंट जो है वो साधुवाद के पात्र है। उन्होंने जो काम करके दिखाया कि अपने बच्चों को अपनी जिस प्रकार से लाए, जिस प्रकार से एक माँ बाप अपने बच्चों को प्यार करके स्नेह से लाते हैं, इसी प्रकार से इंडियन गवर्नमेंट उसको वहाँ लाई। ऑब्वियसली पेरेंट्स तो बहुत डरे ही हुए थे और बच्चे की वहाँ जब बात करते थे तो थोड़ा सा रिलैक्स फील होता था, जब बच्चा कहता था कि मैं वहाँ सेफ हूँ। अदरवाइज वो 24 आवर्स पैनिक ही रहे हैं हम लोग। तो भारत सरकार का बहुत थैंक्स है कि उन्होंने बच्चों का वहाँ टेक केयर किया, अच्छे से हर चीज प्रोवाइड करवाई यहाँ और बच्चे सही सलामत अपना घर पहुंचे।